अस्सलाम गाइस, मैं हूं मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ताहा। और आज जो है मोहसिन भाई काफ़ी दिनों बाद मिले मुझसे, और मैं भी मोहसिन भाई काफ़ी दिनों बाद मिला, मगर आज मोहसिन भाई ने कोई डिफरेंट और अजीब सी खबर दी है। तो मोहसिन भाई क्या खबर है? बहुत यूनिक खबर दी है, ऐसी खबर सनसनी खेज खबर है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लोग बाइक के लवर्स हैं और खासतौर पर जिनको कैफे रेसर्स पसंद है, यस उनके लिए। तो मोहसिन भाई क्या खबर है, बताएं थोड़ा सा। खबर ये है कि मैं जो है ना अपनी कैफे रेसर सेल कर रहा हूँ। आप लोग जो लोग यहाँ पे न्यू हैं उनको नहीं पता होगा, ऑब्वियसली मेरे पास एक कैफे रेसर है, आई ओन अ कैफे रेसर, तो वो मैं अब सेल करना चाह रहा हूँ। कहा तो मोहसिन भाई कैफे रेसर सेल करने की वजह क्या है, ये तो बताएं। यार मैं चाह रहा हूँ कि बड़े आपने नाज से और प्यार मोहब्बत से उसे बनाया, बहुत दिल से बनाया था, इस लेवल तक लाया और फिर बेच रहे क्यों? यार असल में मैं चाह रहा हूँ कि अब इट्स टाइम टू अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अब 200 और 300 तक, 350 तक जो है। अच्छा तो मतलब ट्रीट आने वाली है, मतलब मुझे ट्रीट आती हुई दिख नहीं आने वाली, पहले बाइक जाएगी फिर दूसरी बाइक आएगी मुझे फिर ट्रीट आएगी, मुझे आने वाले हफ्तों में ट्रीट दिख रही है। तो आप साइकिल देखें ना, एक बाइक जाएगी दूसरी आएगी उसके बाद फिर सोचेंगे। अच्छा इसके जाने की भी एक ट्रीट होगी और उसके आने की भी एक ट्रीट होगी, है ना? बहुत जबरदस्त। चलो ऐसा ये तो हो गया, ये बताओ अब सीरियस नोट पे बताओ कि ये बाइक सेल कितने की कर रहे हो? यार ये सेल तो मैं हाईएस्ट बिडर को करूँगा, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड करेगा। अच्छा मैं उसको सेल करूँगा, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं बाइक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिखा हुआ है, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको जो बाइक दिखाऊंगा पूरे स्पेक्स उसके दिखाऊंगा, आप चाहें तो उसको चला के देखें, लेकिन सीरियस बायर जो है ना वो प्लीज आए मेरे पास, क्योंकि वैसे तो रश लग जाएगा, वैसे तो रश तो वैसे ही लग जाता है जब जहां ऐसी फेमस है, 11,000 हमारे पास सब्सक्राइबर्स है। नहीं वैसे अगर ये वाली बाइक की एक क्वालिटी है माशाल्लाह से, मैंने खुद देखा मौसम जब बाइक खड़ी करता है तो रश वहाँ पर वैसे ही लगता है, लोग पूछते आगे यार कैसे ली, कितने की बनाई और क्या किया, पूरी एक एक चीज पूछ रहे होते हैं। अगर आप इसकी लाइव एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, जो कि दो हमने कैफे रेसर्स के ऊपर बनाई थी, और काफ़ी टाइम से जो है मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत उस पर डस्ट वगैरह है, बस उसके सफाई की ज़रूरत है, तो उसके बाद तो फिर, लेकिन आप वीडियोज़ देखें आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि वो बाइक किस तरह की है, किस बात हो गई है, क्यों ना वीडियो दिखा दी जाए इन लोगों को। हाँ अब वीडियो दिखानी, लेट्स गो। ये तो थी हमारी बाइक, और अब हम लोग खाने जा रहे हैं फ्राइज, लेकिन ये आम फ्राइज नहीं है कोई, ये पिज्जा फ्राइज है, ये पिज्जा फ्राइज है, और पिज्जा फ्राइज कैसी होती है ये तो जाके पता चलेगा, मगर हमने इसकी काफी तारीफ सुनी है और न्यूज में भी आ रहा था, तो हमने बोला काफी वायरल हुआ है यार, वायरल हुआ है ना पिज्जा फ्राइज, तो हमने कहा जब लोग सब जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं। सही बात है, तो हो जाए फिर मौसम में क्या बोलते हैं, हो जाए आज हम लोग चक्के देखते हैं, आज चक्के देखते हैं, वैसे भी हमने फूड का काफी टाइम से रिव्यू नहीं किया, बिल्कुल तो आज बनता है, आज तो बनता है भाई। चलो तो गाइस हम लोग आए हुए पिज्जा फ्राइज खाने के लिए, और काफी जबरदस्त है यहाँ पे, रश बहुत है, जबरदस्त है, मगर यहाँ पे आलम कुछ और है, हम लोग सोच कर आए थे सुकून से मिल जाएगी जैसे हम लोगों, मगर यहाँ पे जब पहुँचे तो हम लोगों को तकरीबन आधा घंटा इंतजार करना पड़ा, उसके बाद हम लोगों को मौका मिला यहाँ पे चिप्स लेने का, और बड़ी मुश्किलों से हमें चिप्स मिले, काफी लड़ झगड़ के जो है ना हमने चिप्स लिए, दो तीन लोगों को आगे पीछे करना पड़ा, फिर हम लोगों को मौका मिला है, तो एक गाल मौसम पहले तो इनको दिखा दिया जाए लोगों को, ये बनते कैसे, ये तो देखें बनते
है गर्मा गर्म फ्राइज खाने का, और बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद एक फ्राइज मिली हम लोगों को यार। मतलब हमने सोचा नहीं जिंदगी में ऐसा मौका भी आएगा कि इतना इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ फ्राइज के लिए। बचपन से लेकर आज तक हमने उन्हें इतना नहीं लगा बिल्कुल फ्राइज के लिए। फ्राइज मगर ये क्योंकि फ्राइज स्पेशल है, पिज्जा फ्राइज है, इसलिए इसके लिए इतना इंतजार करना पड़ा हम लोग। एक्चुअली मकसद लड़ने का कोई नहीं था, बस वो वक्त बहुत लगा और ज्यादा लगा, रश बहुत है लोगों का। अंकल की भी थोड़ी सी हटी हुई थी, अंकल भी शोर शराबा कर रहे थे, मैं नहीं लूंगा। अंकल आंटियों को पहले दे रहे थे, हमें बाद में दिया, गलत बात है। तो गाइस ये तो था पिज्जा फ्राइज, और कैसे लगे तुम्हें? यार पिज्जा फ्राइज बहुत अच्छे थे, डिफरेंट टेस्ट था। अब हम लोगों को समझ में आया क्यों ये यहाँ पे इतना रश है और क्यों इतना मशहूर हो रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कितना रश है, रश बहुत है। हम लोग जब आए थे उस वक्त 8-10 लोग थे, और अब तकरीबन 15-20 लोग हो गए। हमारी बरकत कह सकते हैं। मगर ये है कि लोग जो है आ जा रहे, जैसे रात हो रही है लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिसको मतलब रात को अभी ये खुलता भी 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक है, तो यहाँ पे रात के वक्त ज़्यादा रश होता है। अच्छा तो गाइस ये थी हमारी आज की पिज्जा फ्राइज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अपनी कैफे रेसर सेल कर रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं या आप किसी को जानते हैं जो इंटरेस्टेड हो तो उसको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और नीचे नंबर लिखा हुआ है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं बाइक खरीदने में तो नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ईमेल आईडी भी है, वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको आंसर मतलब आप लोग को रिस्पॉन्स देंगे फौरन।